तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि log x का होल स्क्वायर अपॉन x है, ठीक है, log x का होल स्क्वायर अपॉन x है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, चलिए देखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, लेट log x को हमने t मान लिया, अब हमने क्या किया बेटा log x को t मान लिया, तो फिर क्या करेंगे, टेकिंग डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे, टेकिंग डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, ठीक है। तो हमने दोनों साइड अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो log x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, और t का क्या होगा बेटा, dt होगा, ठीक है। तो अब हमने ये रिजल्ट देखा कि dx अपॉन x जहाँ भी होगा उसको कितने के बराबर लिख देंगे बेटा, dt के बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा यहाँ पर, अब जहाँ यहाँ ध्यान से देखो कि dx अपॉन x को क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू, तो log x को क्या लिख दिया, t, log x के जगह पर हमें क्या लिखना होगा, t, तो t का log x का स्क्वायर है मतलब t स्क्वायर, और dx अपॉन x कितने के बराबर है बेटा, dt के बराबर है। अब हम इसको क्या करेंगे, पावर फंक्शन का क्या होता है, पावर में वन ऐड करते हैं, वही पावर वही डिनोमिनेटर में रखते हैं बेटा, हमने ये कंसेप्ट तो फार्मूला जानते ही हैं, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में वन ऐड करते हैं और वही पावर में हम वही जो पावर है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, मतलब वही पावर को हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि t के पावर 2+1 मतलब t के पावर 3/3c, ठीक है। अब हम इस t की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, t इक्वल टू क्या है बेटा, log x है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे log x का होल क्यूब अपॉन 3+c, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है बेटा। हमने क्या किया, यहाँ पर log x को t ले लिया, फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, और पुट करके हमने पावर फंक्शन इंटीग्रेशन करके आंसर ले लिया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,